हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज आपको फोटो एडिटिंग ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस एप्लीकेशन का नाम है स्नैपचैट। इस एप्लीकेशन से आपके बैकग्राउंड फ़ोटो स्मूथ करना, स्किन टून, फोटो कलरफुल करने के लिए अनेक टूल उपलब्ध है। तो टूल पर क्लिक करने के बाद हम ट्यून इमेज पर जाकर अपनी फ़ोटो को ब्राइटनेस और एम्बियंस को एडजस्ट करते हैं। इसे हम 60 से 80 के समथिंग रखना है ताकि हमारी स्किन अच्छी क्वालिफिकेशन दिखाने लग जाए। और फिर हाईलाइट पे जाकर हाईलाइट को भी 60 से 80 के बीच में रखना है, तो 70 से के बीच में कर देते हैं। फिर सेंडो पर क्लिक करके सेंडो को भी हम 60 से 80 के बराबर में रखना है जिससे हमारी दिखने लग जाए। जिस तरह से हम तीनों ऑप्शन को सेम प्रोसेस पर रखना है, 60 से 80 के बीच में रखना है। फिर यहाँ से राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो आगे के लिए भेजना है। फिर प्रोट्रेट पर क्लिक करके अपने हमारे को तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें फेस स्प्लाइट, स्किन स्मूथ और आई क्लीन क्लियरिटी। इसमें फेस स्पॉट को हम 40 से 60 के बराबर में रखना है, तो हम 50 कर देते हैं। और स्किन स्मूथ को भी हम 40 से 60 के बीच में रखना है। और आई क्वालिटी को हम 20 से 40 के बीच में रखना है, तो हम 30 कर देते हैं। और राइट के ऑप्शन पर क्लिक करके फिर वापस टूल के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्टिव पर क्लिक करना है। सिलेक्टिव पर जाने के बाद में हम प्लस के आइकन को क्लिक करके और हम अपने सिलेक्ट कर लेते हैं अपना एरिया। सिलेक्ट करने के बाद हमें इसको 60 पर रखना है ब्राइटनेस को, और सेंचुरी को कम कर देना है। और फिर वापस प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपने हैंड पे लिख करके अपने फिर वापस वही प्रोसेस करना है जिस तरह से पेज पे किया है उसी तरह से पेयर पर भी यही ऑप्शन करना है। फिर वापस ब्राइटनेस को फुल और सेंचुरी को कम करना है, फिर एक और लग करके फिर वापस और करना है। इसी तरीके से हम दो तीन जगह करके इसी तरह से हम सभी जगह यही करना है, ब्राइटनेस को फुल करना है, सेंचुरी को कम करना है। देखो हमारी फोटो इस तरह से अपने उनमें हो जाएगी। और पीछे बैकग्राउंड को भी ठीक से करना है, वो भी दिखने लग जाए अच्छा। बैकग्राउंड पे क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को देखने के लिए घंटे को ओपन कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको कितने की वीडियो पसंद है, उसके बारे में हम वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे।